गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 13 सितंबर और आज मैं जा रही हूँ वेस्ट बंगाल यानी मेरे घर। और 2.5 महीने के लिए मैं मेरे टिट्टू मिट्टू को बाय बाय कर रही थी। बहुत ज़्यादा मेरा मन इस टाइम मतलब उदास था, क्योंकि रत्नागिरी से मुंबई तक इन दोनों के लिए मुझे टिकट मिल रहा था, फिर मुंबई से मुझे वेस्ट बंगाल तक खड़गपुर तक अलग से इन दोनों का टिकट निकलना था। लेकिन जो पार्सल का जो रहता है रेलवे का, वो रात को खुला नहीं रहता है, और मेरा ट्रेन था रात को, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन था। इस वजह से टिट्टू मिट्टू को मेरे हस्बैंड के पास ही मुझे छोड़ के आना पड़ रहा था, नहीं तो मैं डेफिनेटली मेरे साथ लेके आती। इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा पति को अकेला 2.5 महीने के लिए छोड़ के आ रही हूँ। ऊपर से टिट्टू मिट्टू दोनों बेजुबान है और मेरे साथ ज़्यादा खुल मिल गया था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी थी। और वीडियो भी उतना करने का मन नहीं था, इसलिए एक बार भी मैं मेरे फेस को वीडियो पे लेके भी नहीं आई हूँ और कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं किया है। लेकिन हाँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि जो नज़ारा है, जो नेचर का जो खूबसूरती है, वो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम का जो नेचर का जो व्यू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है बारिश के बाद। और रत्नागिरी हो या हमारा वेस्ट बंगाल, नेचर का खूबसूरती हर एक जगह पे अलग अलग तरीक़े का होता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ रत्नागिरी से वेस्ट बंगाल तक का व्यू है, जो भी व्यू है, जो भी खूबसूरती है प्राकृतिक का या नेचर का, वो आप लोगों के साथ क्यों ना थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ मैं। तो आशा करती हूँ मेरा छोटू सा जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आएगा। ब्लॉग इसको नहीं बोल सकती हूँ, जस्ट नेचर व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। और रात को 12 बजे, लगभग 12 बजे के करीब मैं मुंबई पहुंच गई थी। मेरे ट्रेन था अगले दिन सुबह CST से, सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन था। तो मुंबई का जो रात नाइट का जो व्यू होता है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, इसलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत मैंने एकदम छोटा सा क्लिप बना के शेयर किया है। अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को बाय बाय करके मैं निकल पड़ी वेस्ट बंगाल का ट्रेन पकड़ के घर के लिए। और क्या बोलूँ, पूरे रास्ते का नागपुर तक का ना कुछ अलग ही व्यू है नेचर का। नागपुर के बाद से जो झारखंड टाटा नगर बोलते हैं हम लोग, घाटशिला, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वो सब का व्यू बहुत ही अलग है। मतलब अभी नागपुर तक का जो व्यू है ना, पूरा अलग एक माहौल है व्यू का, एक अलग सा खूबसूरती है। चारों ओर हरियाली, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी, कहीं कहीं पे छोटा बड़ा वाटरफॉल्स है। और जो पहाड़ी है वो तो आप लोगों को पता ही कि कितना बड़ा बड़ा नागपुर नासिक साइड का पहाड़ी है। और आप लोगों को मतलब जिन लोगों को पता है हरिहर फोर्ट कहाँ पे है, उन लोगों को मेरे इस वीडियो के क्लिप में पता चल जाएगा कि हरिहर फोर्ट कितना ऊंचाई पे है और कितना छोटा है। मैंने मतलब मेरे कैमरा पे मैं जितना हो सकता था उसको फोकस करके वीडियो किया है। ये जो पहाड़ी दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा, एक ऊपर चोटी जैसा दिख रहा है, यही है हरिहर फोर्ट। बहुत सारे लोगों को पता है। और एक साल बाद आप जब अपने गांव, अपने घर आते हो, उसका आनंद खुशी कुछ अलग ही होता है। मेरे मन में भी बहुत सारा खुशी था कि एक साल बाद मैं घर आ रही हूँ, एक साल बाद घर आ रही हूँ, और दुर्गा पूजा के 1 महीने पहले घर आने का वजह है। मेरे ससुराल में एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसलिए मुझे आना पड़ा 2 महीने पहले, और मेरा हस्बैंड आएगा दुर्गा पूजा में, तो और मेरा शॉपिंग भी हो जाएगा, सब कुछ है। लेकिन हस्बैंड क्या है, सब कुछ कर सकता है। और जो मेरा टिट्टू मिट्टू है ना, मेरा चुई मुई, उन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे मतलब अंदर ही अंदर एक अजीब सा पता नहीं छोड़ के आई, इसलिए शायद थोड़ा मैं उदास थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिन लोगों के पास
कुछ भी पेट है ना, उन लोगों को पता होता है जो जब आप उस पेट को, क्योंकि पेट मतलब वो आपके मतलब बच्चा जैसा ही है, आप उसको बच्चे जैसे ही प्यार करते हो, लाट प्यार देते हो। तो मैं भी मेरा चुई मुई को वैसे ही लाट प्यार देती हूँ, उसको अलग तरीके से मैं नहीं रखती हूँ कि वो पंछी है तो उसको बाहर रखूँ। मैं हमारे मेरे साथ ही वो बेडरूम पे सोता है, सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा था। तो फ़िलहाल अभी मैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और चारों ओर का जो व्यू है ना, आसमान एकदम स्काई ब्लू कलर का और नीचे एकदम हरियाली, ऊपर से जो काशफुल हम लोग बंगाली में बोलते हैं, खास करके शारदीय उत्सव का जो पहले यानी दुर्गा पूजा के पहले पहले होता है, काशफुल चारों ओर भर चुका था, आप लोग देख ही सकते हो। और काशफुल का जो खूबसूरती है ना, जिन लोगों को पता है वो लोग डेफिनेटली जानता है कि काशफुल का खूबसूरती बंगाली के लिए क्या होता है। काशफुल होना मतलब दुर्गा पूजा का शुरुआत हो जाता है और हर एक बंगाली के मन बहुत ही खुशी से झूम उठता है। तो मेरा मन भी कुछ इसी तरह से ट्रेन के अंदर बैठ के झूम उठा था। मन में थोड़ा सा उदासी था, मेरा चुई मुई को मैं छोड़ के आई हूँ, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों के लिए, मैं बहुत जल्दी मेरे चुई मुई के पास वापस जाऊँगी। तो काशफुल का आप लोग इतना खूबसूरती देख सकते हो, मैं जितना हो सकता था आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं अभी मेरे घर के रास्ते पे हूँ और आज का छोटा सा मेरा जो जर्नी वीडियो है, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नए नए वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।